गुड इवनिंग सबको। मेरा नाम सौरभ कुमार सिंह है और आज हम बड़ौदा बीएनपी परिभाष के एनएफओस के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू कराऊंगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है हमारे इस पूरे डिस्कशन का। और यही चीज डिसाइड करेगी कि आपको इनके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं अपना डिस्कशन स्टार्ट करना चाहूंगा इस पॉइंट से कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव व्यू से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गो फॉर इट। ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो। अगर आप शॉर्ट टर्म का सोच रहे हैं, प्लीज मत जाइए इस इन्वेस्टमेंट के लिए। रीजन क्या है इनका, आपको अभी पता चलेगा इसका रीजन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इतना नेगेटिव फीडबैक क्यों है मेरा शॉर्ट टर्म को लेके, क्योंकि इनकी आप बैलेंस शीट देखिए 31 मार्च 2023 की। ये टोटल इक्विटी लाइबिलिटी साइड पे इनकी जो लाइबिलिटीज है ये कॉन्स्टेंटली कम तो हो रही है, उसका उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इनका जो लॉन्ग टर्म लोन है, वो हर एक ईयर बढ़ता जा रहा है। हालांकि इन लोगों ने ये चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं शो की है, दे आर वेरी स्मार्ट। इन लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीज शो नहीं करी है, बट अल्टीमेटली जब आप इनके डिविडेंड पॉलिसी को देखोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि इन लोगों ने, इनका जो गियरिंग रेशियो है, गियरिंग रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी डेट से कितना चल रही है, वो बहुत ज्यादा है, इसलिए ये लोग डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। उसके बाद अगर आप इनके एसेट्स पे एक नजर मारो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आप देखो, 349 था इनका 31 मार्च 2022 में, और अचानक से 674.46 हो रहा है फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। आई डोंट नो ये क्या सेंस बना रहा है, क्योंकि हालांकि मैं कोई नहीं होता हूं इनके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे बात करने वाला, बट इनका आप इनके आप इंटेंजिबल एसेट्स में ग्रोथ देखिए, इंटेंजिबल एसेट्स का ग्रोथ आप देखिए, डिक्लाइनिंग स्टेज पे 2022 में 1,01,626 कुछ था ऐसा, और अभी 914.55 है। तो ये तो डिक्लाइन है। आई डोंट नो ये फिगर्स इनके आई डोंट नो ये फिगर्स इन लोगों ने कैसे मैनेज किया है, क्योंकि ये इनकी ही साइट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आप देख सकते हैं कि सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीएस ने इन पे साइन किया हुआ है। उसके बाद आप इनकी करंट इन्वेस्टमेंट देखिए, करंट इन्वेस्टमेंट में भी एक नेगेटिव फीडबैक ये है कि आप ये देख सकते हैं कि 3,03,20 का से डिक्लाइन हो रहा है। ये बार बार ये चीज डिक्लाइनिंग स्टेज पे जा रही है। आप देखिए यहाँ पे इतना ज्यादा, यहाँ पे इतना कम, बार बार डिक्लाइन हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल्स फिर से डिक्लाइन, और लाइबिलिटीज का कैसा है कि लाइबिलिटीज भी डिक्लाइन हुई है, बट अगर आपके एसेट्स ही प्रोग्रेस स्टेज पे नहीं है तो आई डोंट नो, आप आई डोंट नो कंपनी क्या कर रही है, मतलब व्हाई व्हाई दिस पीपल आर नॉट गिविंग रिटर्न्स। उसका और एक रीजन मैं आपको बताऊं, आप फर्दर अगर आप देखोगे इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट को, आप इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखिए, कुछ इतना अच्छा नहीं है। अगर आपकी कंपनी में कैश ही नहीं है, तो हाउ यू पीपल आर गिविंग डिविडेंड्स, क्योंकि कैश ही तो मैटर करता है ना डिविडेंड के लिए। आप प्रॉफिट से डिविडेंड थोड़ी देते हैं। अगर प्रॉफिट से आप रिटेन्ड अर्निंग अच्छी कर सकते हैं, डिविडेंड पॉलिसी अच्छी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है जिनके प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं बट वो डिविडेंड्स नहीं दे पाते हैं। लेकिन एक चीज बड़ौदा बीएनपी परिभाष की ये है कि ये अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बहुत प्रेफर करते हैं। भले ये एक आप देख सकते हैं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये अभी लॉस, करेंट 2023 में ये लॉस बना रहे हैं, लेकिन स्टिल इन लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दिया है, जो कि बहुत कम है बट दिया है डिविडेंड। मेरे कहने का मतलब ये है कि डिविडेंड दे रहे हैं। उसके बाद अगर आप इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट का टोटल एनालिसिस देखें तो ऑपरेटिंग लॉस, आप ये देखिए फिर से ऑपरेटिंग लॉस, मैंने कहा ना कंपनी लॉस में है, डजेंट मैटर, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये दे रहे हैं रिटर्न, विच इज अ गुड साइन। बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज मत जाइए, क्योंकि इनका वर्किंग कैपिटल के पहले अगर आप देखेंगे ऑपरेशन से कैश तो डिक्लाइन पे, मतलब कंपनी के पास कैश नहीं है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को देने के लिए। उसके बाद आप कैश कैश फ्रॉम ऑपरेशन देखे तो ये भी एक ये देखिए ये भी आपको डिक्लाइन स्टेज पे दिखेगा, 644.92, और यहाँ पे ये पॉजिटिव स्टेज में दिख रहा है। उसके बाद सारी चीजें छोड़ के अगर आप ये देखें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखें, मतलब
जितने भी इन लोगों ने चेंजेस किए, सेल फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, परचेज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, ये थोड़े पॉजिटिव हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि ये एक अच्छी अप्रोच कहीं ना कहीं रही होगी बड़ौदा परिवास की ये करने की। तो इसलिए इनका बैलेंस भी देखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पॉजिटिव है। बट अगर आप इनके कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का बैलेंस देखें तो ये 11.03 देखने को मिल जाता है 2023 में, और 33.80 देखने को मिल जाता है 2022 में। मतलब कंपनी के पास कैश डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, तो इसलिए वो डिविडेंड्स नहीं दे पा रहे। और अच्छी बात ये कि इन लोगों ने विंडो ड्रेसिंग नहीं की अपने बुक्स में, तो क्योंकि ट्रस्टेड कंपनी है, विंडो ड्रेसिंग ये कर भी नहीं सकते इस स्टेज पे। और इनके मैं आपको डिविडेंड्स की पॉलिसी बताऊं तो इन लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है कि दीज पीपल आर नॉट पेइंग डिविडेंड। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ ये देखिए, डिविडेंड इन अ व्यू ऑफ लॉसेज इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग देयर कंसिडरेशन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेड नॉट टू पे एनी डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। यहाँ से हमें और एक चीज पता लगती है कि प्रीवियस ईयर में जितने भी इक्विटी इन्वेस्टर्स है इस पर्टिकुलर कंपनी के, उनको डिविडेंड नहीं मिला है। तो सिंपल सी बात ये रहेगी कि 2024 में आप इनके इक्विटीज अगर आप ले रहे हैं तो प्लीज आप थोड़ा वेट करिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिविडेंड नहीं मिला है इन लोगों को। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर आप कैश की नीड में हैं, आपको आप डिविडेंड की नीड में है, तो आप इनके इक्विटी की तरफ जाइए। सेकेंडली, अगर मैं आपको और एक डिटेल में इनका एनालिसिस, स्टॉक के एनालिसिस करवाऊं, तो हाँ, तो अभी इनका जो करंट करंट म्यूचुअल फंड आया है मार्केट में, जो कि जनवरी 8, 2024 को ओपन हुआ है और क्लोज हो जाएगा जनवरी 2022, 2024 को। सो फाइनली इन लोगों ने अपना नया एनएफओ आउट कर दिया है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बुरा है अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ स्कीम इज दिस, किस टाइप की स्कीम है ये? तो बेसिकली कैसा है कि आप इसमें आपको डिविडेंड थ्रू आउट द ईयर मिलता रहेगा अगर आप बहुत ज्यादा देर तक होल्डिंग पे रख रहे हैं तो, और अगर आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होल्ड कर रहे हैं तो आपको बहुत कम डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। रिटर्न तो आप भूल ही जाइए कि आप शॉर्ट टर्म में लेंगे, डिविडेंड तो आप मिलेगा ही नहीं आपको, जाहिर सी बात है। और दूसरी, ये ओपन एंड एंड स्कीम है जो कि ट्रैक कर रही है निफ्टी 50। देखिए निफ्टी 50 का बार बार मैं चीज कहता हूँ कि इन्वेस्टर्स की हमेशा एक ही अप्रोच रहती है। पर्सनली जब मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरी भी यही अप्रोच रहती है कि मेरे को रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिले। बट इस सिचुएशन में ये नहीं पॉसिबल है, आई डोंट नो वाई। लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ, लॉन्ग टर्म मैं देखिए मैंने आपको कहा था आप लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ की सोच रहे हैं तो आप इन्वेस्ट करिए इसमें। उसके बाद इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट अंडर दिस स्कीम मिनिमम 5,000 पर प्लान ऑप्शन। मिनिमम 5,000 की इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। और दूसरी अच्छी चीज की इसमें आपको एंट्री लोड देखने को नहीं मिलता है, मतलब अगर आप एंटर हो रहे हैं तो आपको ज्यादा अमाउंट पे नहीं करना है, अमाउंट पे ही नहीं करना है। बट एग्जिट लोड 0.2% का अगर आप अपना रिडीम कर रहे बिफोर 30 डेज। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की ये इज्जत बिल्कुल नहीं करते। बिफोर 30 डेज का अगर आप रिडेम्पशन देखे 0.2%, इट इज अ वेरी वेरी डिसहार्टनिंग थिंग कि बार बार ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि कुछ कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं कि शॉर्ट टर्म में ही वो बहुत सारा कैपिटल बनाना चाहते हैं किसी चीज को लेके। उसके बाद आप मिनिमम सिप अमाउंट देखे तो 500 है। रिटर्न कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, जाके हमारी अपस्टॉक की साइट्स पे आप अपना डीमैट अकाउंट वहां पे ओपन कर सकते हैं, वहां पे ये आपको रिटर्न कैलकुलेटर मिल जाएगा देखने को। उसके बाद हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस डिस्कशन का या इस सेशन का पार्ट है, रिस्क रिस्क इन बड़ौदा बीएनपी परिभाष म्यूचुअल फंड। पहली बात तो वेरी हाई रिस्क। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से भी बच जाऊंगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसका रिस्क बहुत ज्यादा हाई है। इसका रीजन ये है कि कंपनी अभी डेट्स पे चल रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है, तो आप इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आपको डिविडेंड देंगे। और उसके बाद अगर आप देखे तो फर्स्टली देर इज अ रिस्क ऑफ इक्विटीज ऑफ एन एसेट क्लास। तो जितनी भी एसेट क्लास में इक्विटीज है वो सारी रिस्क पे है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड्स पे कर नहीं रही तो इन्वेस्टर्स आर रनिंग,
वो इनकी इनकी जो सिक्योरिटीज है बेसिकली वो सेल हो रही है, तो ये अपने लॉसेस को मेकअप, अगर इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं छोड़ के, तो ये जाहिर सी बात है ये कैसे अपने लॉसेस को मेकअप करेंगे, ये भी तो एक सोचने वाली बात है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या इनकी इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है, किसी भी इन्वेस्टमेंट को जज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ईपीएस, विच इज अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर एक बहुत अच्छा, मैं कहूंगा कि एक कह सकते हैं कि एक इंडिकेटर है। तो इनका अर्निंग पर शेयर 9.6% पर ईयर ओवर 3 ईयर्स चल रहा है फिलहाल, अच्छा है नो डाउट। लेकिन आप कंपनी के अर्निंग्स को देखिए, ये जो ब्लू वाली लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अर्निंग कांस्टेंट है। अर्निंग अगर कांस्टेंट है तो आप डिविडेंड कैसे दे रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर आप इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देखें, तो वो कभी डिक्लाइन हो रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी कांस्टेंट है और फिर डिक्लाइन है, ग्रोथ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इनका देर इज नथिंग कॉल्ड ग्रोथ इन दिस। तो ये अगर आप ले भी रहे हैं तो आप ये सोच के मत लीजिए कि मुझे डिविडेंड टाइम टू टाइम मिलेगा और मैं ज्यादा पैसे बना पाऊंगा इसमें इन्वेस्ट करके, क्योंकि मुझे कहीं से भी इसमें ग्रोथ तो नहीं दिख रही है। अगर आप देखें तो ये देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे -630.92 बी है। इसका 2 बी का मतलब होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन स्टेज पे है। आपका जो ग्राफ है वो एस डाउन स्टेज पे, डाउन स्टेज का ग्राफ है आपका। उसके बाद मैं आपको और एक चीज बताऊं, हाँ इंपॉर्टेंट थिंग, फंड मैनेजर मिस्टर संजय चावला, मिस्टर संजय चावला ने अपनी जो मैनेजमेंट की डिग्री है वो बिट्स पिलानी से की है, और बिफोर ज्वाइनिंग बड़ौदा बीएनपी पारिबास म्यूचुअल फंड ही वाज अ सीनियर मैनेजर विद बीएसएल एएमसी व्हिच इज अ गुड कंपनी वर्किंग विद द हेड रिसर्च ऑफ एसबीआई कैपिटल मार्केट। तो इनके इनका इनके जो ये वाले फंड मैनेजर है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो ये गुड साइन हो सकता है इन इन्वेस्टर्स के लिए कि 2024 का फंड मैनेजर अच्छा है, जो कि एक काफी एक बहुत अच्छा अच्छा साइन है कि ये अपने फंड्स और एसेट को मैनेज कर पाएंगे। और अगर आप दूसरे फंड मैनेजर की बात करेंगे, मिस्टर संदीप जैन, तो ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो ही होल्ड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिग्री। चार्टर्ड अकाउंटेंसी हम सबको पता है कि कितनी बड़ी डिग्री होती है, और वो एक अच्छे फंड मैनेजर आदित्य बिरला में रह चुके, और हम सबने देखा है कि आदित्य बिरला ने पिछले 5 साल में कैसा परफॉर्म किया है। कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज को सीरियसली लें, ठीक है, इनके फंड मैनेजर्स को आप थोड़ा सीरियसली लें। इट्स अ गुड साइन दैट दिस पीपल आर गिविंग अ गुड रिटर्न्स। देन आई वुड लाइक टू शेयर माय क्रोम सम डिटेल्स अबाउट दिस कंपनी थ्रू क्रोम। नाउ अगर आप ये क्वेश्चन देखें, हाउ स्टेबल इज बीएनपी परिवास, तो इनका जो रेटिंग है वो आप देख सकते हैं कि फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इट इज ग्रेडेड एज ए प्लस, नो डाउट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप जा रहे हैं, प्लीज गो फॉर दिस। उसके बाद अगर मैं आपको दूसरे क्वेश्चन के तरफ ले चलूं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ बीएनपी परिभाष म्यूचुअल फंड, ये देखिए इसका आंसर देखिए, आप जरा ये आंसर पे पढ़िए। द करेंट नेट एसेट वैल्यू ऑफ बीएनपी परिभाष बैलेंस एडवांस फंड रेगुलर प्लान एज पर जनवरी 11, 2024 इज ₹20.54 फॉर ग्रोथ ऑप्शन ऑफ द रेगुलर प्लान। 20.54 स्टेबल ग्रोथ है, इट्स अ गुड ग्रोथ। इट्स ट्रेलिंग रिटर्न ओवर दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज 22.02%, 13.05 फॉर 3 ईयर्स, 15.39 फॉर 5 ईयर्स। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये सही रहेगा। सो दिस इज इट, मुझे इतनी ही बात करनी थी इससे रिलेटेड, और होप आपको ये इन्वेस्टमेंट सही लगे, एंड थैंक यू।